जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, SSC ने MTS और हवलदार के पदों पर 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं। तो ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन वैकेंसीज से संबंधित A to Z डिटेल्स देने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके लिए मैंने एक स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे रिलेटेड हैं उनके लिए डाल दिया है। तो इस स्लाइड की सहायता से हम आपके लिए इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है जहाँ पर दोस्तों आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून से 31 जुलाई 2024 के बीच में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके लिए लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की फीस जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है, आपके लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपसे रिलेटेड दोस्तों, शेड्यूल ऑफ CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसके लिए हम फौज में रिटन एग्जाम कहते हैं, वो अक्टूबर और नवंबर 2024 में शेड्यूल है। और अगर आपके लिए कोई भी क्वेरी है इन वैकेंसी से संबंधित तो आप ये जो टोल फ्री नंबर है इससे बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आए अगर तो आप इनसे बात कर सकते हैं। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए भी दोस्तों A to Z स्क्रीनशॉट के साथ में स्टेप दिए गए हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिवली अनाउंस कर दी गई हैं, MTS की 4887 और हवलदार इन CBIN एंड CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में 3439 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रिजर्वेशन दोस्तों जो होता है वो एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 10% का रहता है, ठीक है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ESM, तो यहाँ पर दोस्तों जो हवलदार हैं उनकी वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, बाकी MTS की वैकेंसीज की डिटेल नहीं दी गई है। तो एक्स सर्विसमैन का कॉलम ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 287 वैकेंसीज हैं जो कि रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप इस स्लाइड के लिए ध्यान से पढ़ लें कहां कहां पर ये वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसीज हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको वैकेंसीज से संबंधित यहां पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन फॉर ESM। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यही जो है वो पार्ट होता है कि एक्स सर्विसमैन की एज में सबको जो है वो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है एज कैलकुलेशन में। तो दोस्तों आपको मैं बार बार बताता हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि आपकी जो एक्चुअल एज है उसको रख लीजिए, उसके बाद में आप उसमें से आपने जितनी भी सर्विस करके आप रिटायर हो रहे हैं या फिर रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर जो आपकी एज आती है दोस्तों वो जो भी जिस भी वैकेंसीज में जितनी एज मांगी गई है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस फॉर ESM, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो एग्जेम्प्टेड है, आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये 100 रुपीज होती है वैसे, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड होती है। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको SSC की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पे सबसे पहले आपके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आप जो है वो इसी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन के लिए फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके दोस्तों 2 पेपर होंगे एक ही दिन, ठीक है। ये क्या है, पार्ट वाइज होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। तो सेशन 1 होता है दोस्तों 45 मिनट का और सेशन 2 होता है आपका 45 मिनट का, ओके। सेशन 1 में आपके न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाती है जो कि BGS में 20 नंबर के
सॉरी जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और टोटल 60 नंबर का सेशन वन का पार्ट वन आता है। सेशन वन का दोस्तों पार्ट सेकंड है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। इसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन। जैसे ही आपका सेशन वन 45 मिनट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और सेशन सेकंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछी जाएगी सेशन सेकंड के पार्ट वन में जनरल अवेयरनेस। ये दोस्तों 25 क्वेश्चंस होंगे 75 नंबर के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। और पार्ट सेकंड में पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, इसके भी आपके पास में 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर वही डिटेल दी गई है कि आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जैसे ही आपका सेशन वन फिनिश होगा सेशन टू आपका ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 45 मिनट के बाद में सेशन टू भी ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के टाइम पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि ये हवलदार और एमटीस की वैकेंसीज है, पे लेवल वन से इसकी जो है वो स्टार्ट होती है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पे प्रोटेक्शन होता है, तो आपके लिए यहाँ से आपकी जो सैलरी है वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से आपने छोड़ के गए हैं। तो दोस्तों इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप 10th पास हैं दोस्तों तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन सर्विस, तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम ऐसे एक्स सर्विसमैन की जिनकी फर्स्ट सर्विस ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, मतलब आप रिटायर हुए और आपने कहीं एग्जाम दिए और आपकी सर्विस लगी हुई है किसी भी ग्रुप में, चाहे सी हो या डी हो, लेकिन आपकी अगर रेगुलर सरकारी जॉब लगी हुई है तो आप जो है वो एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। हाउएवर, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, हालांकि आपने जो भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन ऑब्लिक अंडरटेकिंग दी हो डेट वाइज, जो कि आपने पहले ही अप्लाई कर दिया हो। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 के लिए ये वैकेंसीज के लिए ज्वाइन किया और आपने उससे पहले ही जिन जिन भर्तियों में ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है उनकी डेट वाइज आप जो है वो जानकारी अपने डिपार्टमेंट को दे देंगे, तो आप जो है वो एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट्स सेकंड जॉब के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद में आपने जो भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट्स एक्स सर्विसमैन का नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सर्विंग पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई, तो सर्विंग पर्सन जो है इस समय आर्मी एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि आप एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप केवल एक शर्त पे ले सकते हैं कि आपको अपने सीओ से, कमांडेंट से या फिर जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे आप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे एसएससी के लिए, जिसमें ये लिखा होगा कि 31 जुलाई 2025 से पहले आप जो है वो अपनी सर्विस से रिलीज कर दिए जाएंगे, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 जुलाई 2024 मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ क्लोजिंग से 1 साल के अंदर, मतलब नेक्स्ट 1 साल आने वाली जो उसके अंदर आपकी जो है वो रिटायरमेंट पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्स रिक्रूट्स, तो दोस्तों ऐसे रिक्रूट्स जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे मेडिकल वार्ड आउट हो जाते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड, वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।